हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, फाइनली वी आर बैक विद अवर आर्डिनो सीरीज और ये आर्डिनो सीरीज का 20th पार्ट है। गाइस, इस पार्ट में हम लोग आर्डिनो को इंटरफेस करने जा रहे हैं एक एसडी कार्ड मॉड्यूल के साथ। गाइस, एसडी कार्ड मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर हम लोग हमारे मेमोरी कार्ड को प्लेस कर सकते हैं, जो मेमोरी कार्ड हम लोग हमारे फोन में यूज करते हैं, और उस मेमोरी कार्ड को इस मॉड्यूल के अंदर प्लेस करने के बाद हम लोग आर्डिनो से इस मेमोरी कार्ड के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर डेटा को रीड कर सकते हैं। सो आखिर ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे है, हम लोग एसडी कार्ड मॉड्यूल को कैसे इंटरफेस करेंगे आर्डिनो के साथ, इसका कनेक्शन क्या होगा, इसके लिए प्रोग्रामिंग क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है हमारा एसडी कार्ड मॉड्यूल। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट के अंदर आपको एसडी कार्ड को प्लेस करना पड़ता है। अब इसके पिन्स को देखते हैं, तो यहां पर ये सारे इसके पिन्स है, सीएस, एससीके, एमओएसआई, एमआईएसओ। गाइस, ये सारे जो पिन्स है ये एसपीआई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज करके ही डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। सो दैट मीन्स ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल एसपीआई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज करके आर्डिनो के साथ डेटा कम्युनिकेट करेगा। गाइज, एसपीआई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज, अब देखते हैं कि ये सारे पिन्स को आर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट करना रहता है, कहां पर इसके कनेक्शंस जाएंगे। सो ये है इसका सर्किट डायग्राम। गाइज, यहां पर जो एसडी कार्ड मॉड्यूल का सीएस पिन है, चिप सिलेक्ट, इसे आप स्लेव सिलेक्ट भी बोल सकते हैं, ये जो पिन है ये जाएगा आर्डिनो के डिजिटल पिन 10 को। जो एससीके पिन है ये जाएगा आर्डिनो के डिजिटल पिन 13 को। जो एमओएसआई पिन है वो जाएगा आर्डिनो के डिजिटल पिन 11 को। एंड एमआईएसओ पिन जाएगा आर्डिनो के डिजिटल पिन 12 को। बाकी वीसीसी है वो 5 वोल्ट में जाएगा और ग्राउंड ग्राउंड में जाएगा आर्डिनो के। सो ऐसा कुछ इसका कनेक्शन होगा। गाइस, यहां पर हमें ये जो पिन है एससीके, एमओएसआई, एमआईएसओ, ये सारे पिन हमको यही डिजिटल पिन पे क्यों कनेक्ट करने है, क्योंकि अगर आप आर्डिनो का डेटा शीट देखोगे तो ये जो पिन है ये डिजिटल पिन होने के साथ साथ एमआईएसओ, एमओएसआई, एससीके पिन और एसएस पिन भी होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये डेटा शीट से इसका एक इमेज निकाला है। यहां पर ये सारे पिन एसपीआई कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए दिए हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग यही पिन पे एसडी कार्ड मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे। सो गाइस, फटाफट से सर्किट कनेक्शन कर लेते हैं और फिर जाते हैं इसके प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस, अब यहां पर हमारा सर्किट कनेक्शन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एसडी कार्ड को प्लेस कर देता हूं। सो यहां पर मैं जो एसडी कार्ड यूज कर रहा हूं वो 16GB का एसडी कार्ड है। गाइस, यहां पर आपको ये नोट डाउन करना है कि इस एसडी कार्ड मॉड्यूल में आप मैक्सिमम 16GB का ही मेमोरी कार्ड इसके अंदर प्लेस कर सकते हो, इससे ज्यादा साइज का मेमोरी कार्ड ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो आप यहां पर 16GB या फिर उससे नीचे के कोई भी साइज के मेमोरी कार्ड इसके अंदर प्लेस कर सकते हो। सो यहां पर आपको इसे कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। सो अब ये प्लेस हो चुका है। नाउ लेट्स जस्ट कनेक्ट द आर्डिनो एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। सो गाइस, ये है मेमोरी कार्ड के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए और उसी डेटा को रीड करने के लिए प्रोग्राम। अब मैं इस प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड किए हैं, जो है spi.h, क्योंकि यहाँ पर हम लोग SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए spi.h ये लाइब्रेरी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। देन sd.h, क्योंकि यहाँ पर एसडी कार्ड मॉड्यूल को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए एसडी कार्ड मॉड्यूल के कमांड्स के लिए हम लोग को यहाँ पर ये sd.h इस लाइब्रेरी का यूज करना है। गाइज, ये जो दोनों भी लाइब्रेरी है, ये दोनों भी लाइब्रेरी आपको कहीं से भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइब्रेरी इस आर्डिनो सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ट आ जाती है। तो आपको डायरेक्टली ये लाइन यहाँ पर लिख देना है। देन मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है माई फाइल बाय यूजिंग कमांड फाइल, जो हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। देन आफ्टर दैट वॉइड सेटअप। गाइज, यहाँ पर जो पूरा प्रोग्राम है मेरा, मैंने पूरा प्रोग्राम वॉइड सेटअप के अंदर ही लिखा हुआ है और वॉइड लूप को मैंने यहाँ पर एम्प्टी रखा है, बिकॉज मैं जो भी डेटा को स्टोर कर रहा हूँ और जो डेटा को रीड कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बार डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ और एक ही बार रीड करना चाहता हूँ,
तो इसके लिए मैंने पूरा प्रोग्राम void setup के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि void setup सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद आर्डिनो void लूप के अंदर आ जाता है और void लूप को एग्जीक्यूट करते रहता है। तो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन 9600, बिकॉज मैं सीरियल मॉनिटर को यूज़ कर रहा हूँ डेटा को प्रिंट करने के लिए, तो इसके लिए ये लाइन यहाँ पर यूज़ हुई है। देन sd.begin10, sd.begin ये कमांड है हमारे SD कार्ड मॉड्यूल को इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ से SD कार्ड मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा वो। एंड देन इसके अंदर आपको पिन नंबर लिखना है, जिस पिन नंबर पे आपने SD कार्ड मॉड्यूल के CS पिन को कनेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर CS पिन को डिजिटल पिन 10 पे कनेक्ट किया है, तो इसके लिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। देन आफ्टर दैट जो मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था ऊपर माय फाइल, उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। माय फाइल इज इक्वल टू sd.open। अब ये क्या करेगा, ये एक फाइल को ओपन करेगा इस मेमोरी कार्ड के अंदर और उस फाइल का नाम है test.txt। तो test.txt करके एक फाइल रहेगा इस SD कार्ड के अंदर जिसे ये ओपन करेगा, कॉमा file_write। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस फाइल को ओपन करके इसके अंदर कुछ लिखना है, कुछ डेटा स्टोर करना है। तो इसके लिए file_write ये कमांड का यूज़ होगा। गाइज यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सपोज इस मेमोरी कार्ड के अंदर test.txt करके कोई भी फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये test.txt का फाइल खुद से ही क्रिएट कर देगा और फिर उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये test.txt करके फाइल है कि नहीं, ये ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट कर देगा अगर ये फाइल नहीं रहेगा तो। देन अब ये test.txt करके एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है बाय यूजिंग दिस कमांड। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग कुछ डेटा पुट करेंगे, तो वो डेटा कैसे पुट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर ये लाइन है। सबसे पहले तो सीरियल डॉट प्रिंट, ये मैं सीरियल मॉनिटर पे ऐसे ही प्रिंट कर दूंगा कि राइटिंग टू tst.txt। देन जो भी डेटा मुझे यहाँ पर स्टोर करना है test.txt के अंदर, उसे मैं यहाँ पर ऐसे पुट करूंगा माई फाइल डॉट प्रिंट एलन। देन जो भी डेटा है वो डेटा यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। सो हाई दिस इज हिमांशु एंड दिस इज माई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये पूरा डेटा इस test.txt के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो गाइज आप इसका फ्लो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैंने test.txt करके फाइल ओपन किया और उसके अंदर मैंने ये नोट डाउन कर दिया, ये लिख दिया हाई दिस इज हिमांशु एंड दिस इज माय टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग दिस कमांड माय फाइल डॉट प्रिंट एलन। अब मेरा ये डॉक्यूमेंट में डेटा लिख के हो गया है, अब मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देना चाहता हूँ। सो उसके लिए सिंपल कमांड है माय फाइल डॉट क्लोज, तो ये test.txt इस फाइल को क्लोज कर देगा। देन सीरियल डॉट प्रिंट एलन डन, तो ऐसा सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगा। अब ये हाई दिस इज हिमांशु एंड दिस इज माय टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये डेटा मैंने स्टोर कर दिया है test.txt के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा को रीड करूँगा। तो अब देखते हैं कि इस डेटा को रीड करने के लिए क्या प्रोग्राम है। सो इसके लिए ये पूरा प्रोग्राम है डेटा को रीड करने के लिए। सो अब ये प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अगेन sd.open test.txt। सो अगेन मैं इस जो भी test.txt फाइल है इस फाइल को ओपन करूँगा, बट यहाँ पर अब रीड करने के लिए ओपन करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर file_write नहीं लिखा है जैसा यहाँ पर था, ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर रीड करना है। सो इसके लिए माई फाइल इज इक्वल टू sd.open test.txt, ये फाइल को ओपन करेगा। देन सीरियल मॉनिटर पे मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ test.txt। देन अब मुझे डेटा को रीड करना है, तो उसके लिए सिंपल कमांड है माई फाइल डॉट रीड स्ट्रिंग। तो इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो पूरा का पूरा डेटा रीड करेगा और इस डेटा इस वेरिएबल के अंदर वो स्टोर कर देगा। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस डेटा को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर देना है। सो सीरियल डॉट प्रिंट एलन डेटा, तो जो भी डेटा इसने रीड किया उस फाइल के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ था वो सारा डेटा इस डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर वो सारा डेटा सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा बाय यूजिंग दिस लाइन। अब आफ्टर दैट मुझे बस इस फाइल को क्लोज कर देना है, तो उसके लिए मैंने अगेन कमांड यूज किया है माई फाइल डॉट क्लोज। तो ये फाइल को ओपन हुआ, उसने रीड किया और उसके बाद अब ये क्लोज कर देगा। सो गाइज ये है इसका पूरा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और फिर सीरियल मॉनिटर को ओपन करके हम इसका आउटपुट देखेंगे। सो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर राइटिंग टू test.txt डन, दैट मीन्स यहां पर जो भी डेटा मैं स्टोर कर रहा था वो स्टोर हो गया और उसके बाद मैंने जो रीड का प्रोग्राम लिखा था वहां पर इसने ये रीड करके प्रिंट कर दिया है सीरियल मॉनिटर पर। गाइज यहाँ पर अभी दो बार क्यों यहाँ पर प्रिंट हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ टाइम लगा सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के लिए। तो जैसे ही मैं सीरियल मॉनिटर को वापस से ऑन किया तो फिर जो हमारा आर्डिनो है वो रीसेट हो जाता है सीरियल मॉनिटर को ऑन करने पे, और इसके लिए उसने दोबारा से कोड को रन किया और दोबारा से एक और डेटा यहाँ पर प्रिंट कर दिया, एक और डेटा यहाँ पर लिख दिया उसने। तो इसके लिए ये दो लाइन यहाँ पर स्टोर हो चुकी है test.txt के अंदर। अब गाइज मैं क्या करूँगा, मैं जो मेमोरी कार्ड है उस मेमोरी कार्ड को मेरे कार्ड रीडर में पुट करूँगा,
और इस कार्ड रीडर को मैं अपने पीसी से कनेक्ट करता हूँ और फिर इस मेमोरी कार्ड के अंदर हम लोग हमारे पीसी के थ्रू जाएंगे और देखेंगे कि ये test.txt करके डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है कि नहीं और उसके अंदर ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पर मैंने मेमोरी कार्ड को ओपन किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं test.txt करके यहाँ पर फाइल जनरेट हुआ है। इस फाइल को अब मैं ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाय दिस इज हिमांशु एंड दिस इज माय टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये फाइल यहाँ पर सेव हुई है। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट में हम लोग ने लिखा था वो टेक्स्ट यहाँ पर सक्सेसफुली स्टोर हुआ है। गाइज बस यही चीज़ है, यहाँ पर आपने जो भी नाम दिया होगा अपने फाइल का आर्डिनो के अंदर, तो आर्डिनो के अंदर मैंने test.txt ये स्मॉल लेटर्स में लिखा था, बट वो जो सेव होता है वो कैपिटल लेटर्स में ही सेव होता है। आप कोई भी नाम दोगे वो कैपिटल लेटर्स में ही उस नाम को लेगा और कैपिटल लेटर्स में ही उस नाम को मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर करेगा। तो बस ये चीज़ है। सो गाइज बस इतना ही था एसडी कार्ड मॉड्यूल के लिए। सो गाइज आपने अभी देखा कि कितना इजी है हमारे मेमोरी कार्ड के अंदर डेटा को स्टोर करना, डेटा को रीड करना, और वो भी एसडी कार्ड मॉड्यूल और आर्डिनो को यूज करके। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो जिनको आर्डिनो के बारे में और सीखना है। गाइज अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे वीडियोस के अपडेट आते रहे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।